मत बोलना के डंकी के ड्रॉप ऑन से तुम डिसअपॉइंटेड हो और तुम्हें और भी कुछ मसाला चाहिए था। नहीं, ये कोई पठान और जवान जैसी मूवीज नहीं कि पहले एक दो हफ्ते में बिजनेस कर लो और उस बिजनेस के लिए दबा के मार्केटिंग करी, टीजर में मनी शॉट्स दिखाओ और थिएटर्स भरो। अगर डंकी जैसे मूवीज के टीजर ट्रेलर और प्रमोशन भी ना हो, फिर भी ये राजकुमार हिरानी की मूवी है जिसमें वर्ल्ड के लास्ट ऑफ द स्टार्स शाहरुख खान है, तो घंटा इस मूवी को प्रमोशन की जरूरत नहीं, फिर भी लोग पहुंच जाएंगे रिलीज के दिन। बट ड्रॉप वन में जितने भी कैरेक्टर्स दिखे इंक्लूडिंग शाहरुख, तापसी एंड विकी कौशल, आई कैन वाउच कि इस मूवी में स्टार कास्ट से इम्पोर्टेंट स्टोरी लाइन एंड कैरेक्टर्स होंगे। जहाँ पे डंकी मतलब ही इलीगल एंट्री और इमिग्रेशन है, और ड्रॉप वन देख के पता लग रहा है कि एसआरके और उसकी फैमिली फैसिनेटेड है लंदन जाने को लेके। और इसी बीच शाहरुख की लव इंटरेस्ट जो इस मूवी में तापसी पन्नू होंगी, जिन्हें देख के भी पता चल रहा है कि वो अपने लीक से हट के इस मूवी में रोल कर रही है। एंड आई हैव फेथ इन हर एक्टिंग स्किल्स सेम एज विकी कौशल। और न जाने क्यों इस सीन से मुझे लग रहा है इलीगल वे से ट्रैवल करते हुए शाहरुख शुरू तो करेगा जर्नी सबको लेके, बट एंड आते आते वो अकेला हो जाएगा। और अगर अकेला होने का मतलब बाकी कैरेक्टर्स की मौत है, देन ब्रो इट्स गोइंग टू बी हार्ट मेल्टिंग मूवी वंस अगेन फ्रॉम राजकुमार हिरानी। एंड बिलीव मी, एवरी टाइम यू वॉच राजकुमार हिरानी मूवी तुम कुछ नया सीखते हो जो तुम्हें लाइफ में आगे ग्रो होने में मदद करती है। दैट्स व्हाई ही इज अ जीनियस। और ये मत भूलना कि उन्होंने शाहरुख को कास्ट किया है, मतलब शाहरुख की भी हाईएस्ट पोटेंशियल एक्टिंग स्किल्स भी हमें स्क्रीन में श्योरली देखने मिलेंगे। बट बहुत दिनों के बाद हम राजकुमार हिरानी के वर्ल्ड में एंटर करने वाले हैं, और ऐसे ही कुछ डायरेक्टर होते हैं जो स्पेशल और चमत्कारी कुछ भी स्क्रीन में दिखाए तो उसे भी हम मान लेते हैं, क्योंकि याद रखना जादू धोखे से होता है और चमत्कार यकीन से। और इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलता है सिर्फ वो, बट आप करते नहीं। बट अगर इस ड्रॉप वन से रिलेटेड कुछ ओपिनियन है तो कमेंट में जरूर बताना, हर एक कमेंट को रिप्लाई देना मेरा मजबूरी नहीं मेरा प्यार है। एंड एज आई से, हर मूवी या सीरीज कुछ सिखाती है तुम्हें, सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे हार्ड एंड मी साइनिंग ऑफ। यू जस्ट वॉच्ड शो डिफाइन।